डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर्स एंड स्प्रेडिंग इन टू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो. डिफ्रैक्शन एक फिनोमिनन होता है लाइट के बेंड होने का जब वो टकराती है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के शार्प कॉर्नर से और चली जाती है ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन में. ये हमने मान लिया कि यह है हमारा सोर्स ऑफ लाइट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारी स्क्रीन. होना तो चाहिए था कि जब ये लाइट रेज आती तो ये सीधी सीधी चली जाती और यहाँ पे हमें मिलता एक ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन. बट ड्यू टू डिफ्रैक्शन ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती हैं और चली जाती हैं ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन में, और इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन की वजह से हमें यहाँ पे कुछ पैचेस ऑफ लाइट मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस. डिफ्रैक्शन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रेशनल डिफ्रैक्शन, एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. फ्रेशनल डिफ्रैक्शन में हम लाइट के सोर्स को रखते हैं एक फाइनाइट डिस्टेंस पे. फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हम प्लेन वेव फ्रंट्स को इंसिडेंट करवाते हैं. अब हम देखेंगे डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ये एक टाइप है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का जिसमें कि हम प्लेन वेव फ्रंट्स को इंसिडेंट करवाते हैं. हमने मान लिया कि ये है हमारा लाइट सोर्स, ये है लेंस L1, ये है लेंस L2 और ये है हमारे पास स्लिट जिसकी विड्थ है a. यहाँ से हमें प्लेन वेव फ्रंट्स मिलेंगे जो कि हमें पता है यहाँ पे इंसिडेंट होंगे. जाना तो इन्हें चाहिए था स्ट्रेट पॉइंट O पे, पर डिफ्रैक्शन की वजह से ये अपना पार्ट डेविएट कर जाते हैं और चले जाते हैं पॉइंट P पे. यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ए पी का जो डिस्टेंस है वो है कम एज़ कम्पेयर टू पी बी के. तो इनके बीच का हम निकालते हैं पार्ट डिफरेंस. तो पार्ट डिफरेंस निकालना पहले हमें इस पे एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा जिसकी वजह से हम निकाल सकेंगे इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस. तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आई बी एन. तो हमें निकालनी है बी एन की वैल्यू. तो हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए एन बी, इसमें हम निकालते हैं साइन थीटा. साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है थीटा के अपोजिट बी एन और हाइपोटेनियस है हमारे पास ए जो कि हमने ले रखी है स्लिट की विड्थ. तो हमारे पास बी एन की वैल्यू आ गई ए साइन थीटा. ये हमारे पास आ गया पाथ डिफरेंस. अब हमें पता है कि हमें कुछ फ्रिंजेस मिलती हैं वहाँ पे. तो जो डार्क फ्रिंजेस होती है उन्हें हम बोलते हैं मिनिमाज और जो हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं मैक्सिमाज. अब हम निकालेंगे कि हमें कहाँ पे मैक्सिमाज मिलेंगे, कहाँ पे मिनिमाज दिखेंगे. पहले हम देख लेते हैं मैक्सिमाज का केस. हमने बी एन को ले लिया लैम्डा और हमने साइन थीटा मान लिया लैम्डा थीटा वन. तो हमने इस वैल्यू को रखा इक्वेशन फर्स्ट में. तो हमारे पास आएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा वन. तो साइन थीटा वन हो जाएगा लैम्डा बाय ए. हमने पहली पोजीशन निकालने के लिए स्लिट को डिवाइड किया दो पार्ट्स में और अब हम निकाल रहे हैं दूसरे की विड्थ, दूसरे की पोजीशन. तो हमने ले लिया बी एन को 2 लैम्डा, साइन थीटा को थीटा 2. तो हमारे पास साइन थीटा 2 की वैल्यू आई 2 लैम्डा बाय ए. ये तो हो गए फर्स्ट की और ये हो गए सेकंड की. अब हम एक जनरल केस बना लेंगे. तो हम बी एन को ले लेंगे एन लैम्डा और थीटा एन थीटा को ले लेंगे थीटा एन. तो हमारे पास साइन थीटा एन हो जाएगा एन लैम्डा बाय ए जिसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. जैसा कि हम जानते हैं जो थीटा होता है वो होता है वाई बाय डी. वाई होता है डिस्प्लेसमेंट और डी होता है दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस. तो हमारे पास थीटा एन की वैल्यू आ जाएगी वाई एन बाय डी फॉर एन डार्क फ्रिंजेस. तो हम वाई एन की वैल्यू निकाल देंगे डी इंटू थीटा एन. तो वाई एन हो जाएगा डी इंटू थीटा एन की वैल्यू रख देंगे वाई एन अपॉन डी. तो हमें पता है कि जो दो डार्क फ्रिंजेस होती है उनके बीच में हमें मिलती है एक ब्राइट फ्रिंज. तो इनकी हेल्प से हम ब्राइट फ्रिंज भी निकाल सकते हैं. तो हम वाई टू माइनस वाई वन कर देंगे तो टू डी लैम्डा माइनस वन डी लैम्डा बाय ए करेंगे तो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी डी लैम्डा बाय ए. अब हम केस देखेंगे मैक्सिमाज का. हमें पता है मिनिमाज जब दो लाइट वेव्स एक ही फेज डिफरेंस में होती हैं वो तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं. तो हमें कुछ नहीं मिलता है तो वहाँ पे हमें डार्क फ्रिंजेस मिल जाती हैं.
यहाँ पे हमें स्लिट को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, ताकि दो तो एक दूसरे को कैंसिल कर दें पर तीसरे की वजह से हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिले। तो इस बार भी हम जो बी एन है उसको हम ले लेंगे 3/2 लैम्डा और थीटा को ले लेंगे 1। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3λ/2 इक्वल्स टू ए साइन 1। तो हमारे पास साइन 1 आ जाएगा 3λ/2 ए। अब रखेंगे हम बी एन को 5λ/2 तो और थीटा को 2 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5λ/2 इक्वल्स टू ए साइन 2 और 2 आ जाएगा 5λ/2 ए। ये तो हमने एक फर्स्ट के लिए निकाला, सेकंड के लिए निकाला। अब हम एक जनरल इक्वेशन बना रहे हैं, तो हम इन दोनों के कंसीडर करके एक इक्वेशन बना सकते हैं बी एन इज इक्वल्स टू 2n+1λ/2 और थीटा को 3n। हम इसकी वैल्यूज रखेंगे तो हमें मिलेगा 2n+1λ/2 इज इक्वल्स टू ए साइन 3n और हम यहाँ से साइन 3n की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 2n+1λ/2a। अब हमें पता है कि थीटा होता है y बाय डी, तो हम थीटा n निकाल रहे हैं तो हम yn/d कर देंगे। तो हमारे पास yn की जो वैल्यू आएगी वो आएगी d(θn) और हम थीटा n की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 2n+1d(λ/2a। ये हमारे पास आ गई डार्क फ्रिंज की विड्थ, ब्राइट फ्रिंज विड्थ। अब हमें पता है दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में एक डार्क फ्रिंज होती है, तो हम इनकी हेल्प से निकाल सकते हैं ब्राइट फ्रिंज की विड्थ। तो हम यहाँ पे रखेंगे 5d(λ/2a) -3λ/2a, तो हमारे पास जो आ जाएगी वैल्यू वो आ जाएगी 2d(λ/2a). 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास जो विड्थ आएगी वो आएगी d(λ/a). इस एक्सपेरिमेंट से हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला कि जो सेंट्रल मैक्सिमम हमें मिलती है वो ट्वाइस होती है सेकेंडरी मैक्सिमा के या फिर सेकेंडरी मिनिमा के। तो हम लिख सकते हैं विड्थ इज इक्वल्स टू 2 × y1, जो हमारे पास आ जाएगी विड्थ 2 × d(λ/a). तो ये हमारे पास ये निकल गई सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ। हमारे पास सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये आई कि जो इंटेंसिटी होती है सेकेंड मिनिमाज की या सेकेंड मैक्सिमाज की वो डिक्रीज होती रहती है, वो डिक्रीज होती रहती है दूर जाने पे। तो अगर हम इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, जहाँ पे कि ये जो फ्रिंजेस हैं वो कम होती जाएंगी और हमें सेंटर पे मिलेगी एक ब्राइट फ्रिंज जो कि ट्वाइस होगी सेकेंडरी फ्रिंजेस की। ये है हमारी ब्राइट फ्रिंज, ये है हमारी सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, ये हमारी सेकेंडरी फ्रिंजेस हैं और ये है हमारी डार्क फ्रिंजेस। ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया जिसमें कि हमें पता चल रहा है कि जो हमारी जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है वो ट्वाइस होती है सेकेंडरी फ्रिंजेस के। थैंक यू।